यहाँ पे थियोरम थ्री जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको देखिए। यहाँ थियोरम थ्री स्टूडेंट क्या है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट विच इज सबटेंड्स एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब ये क्या है इसको थोड़ा देखा जाए, ये सर्कल बना लिए क्या। अब यहां पर है कि आर्क, आर्क किसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप ले लो, सपोज ये है ना, ये कर्व लाइन, तो सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट आप लेते हो गया आर्क। तो यहां क्या है, द एंगल विच एन आर्क, एन आर्क मतलब ये भी यहां लिए, ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर, सेंटर पर बनाता है ये आर्क जो है, सेंटर पर जो एंगल बनाया, दैट विच इज सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सबटेंड्स एट द सर्कल डबल। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो सेंटर पर ये आर्क जो एंगल बनाएगा वो सर्कमफेरेंस के किसी भी पार्ट का जो एंगल, पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका ट्वाइस होगा, वो कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो। सपोज हम यहां लेके आपको बता रहे हैं, यहां आप ले लिए ये पॉइंट, आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो यहां पे ले लिए हम पी, ठीक है। तो यहां क्या कहना है स्टूडेंट कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सर्कमफेरेंस के किसी भी पार्ट के एंगल से कितना होगा, ट्वाइस होगा, ओके। अब यहाँ डबल होगा तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसको भी हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर कौन सा एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, इसका रिलेशन क्या प्रूफ करना है कि सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट पर जो एंगल बना उसका ट्वाइस, यानी ए पी बी, तो ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी, ओके। ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां ये प्रूफ करेंगे कैसे, तो इसे हम एक कंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ज्वाइन पी ओ एंड प्रोड्यूस अप टू इट डी, ओके। अब यहां देखें कि जब पी ओ को प्रोड्यूस किए कहां तक, डी तक, हियर ओ ए पी इज अ ट्रायंगल एंड ओ पी बी इज अ ट्रायंगल। ओ ए पी में आप देखो कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए होगा स्टूडेंट, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रेडियस है। तो यहाँ OP is equal to OA हो गया, तो हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि when sides are equal then angle opposite to them are also equal, या ये भी कह सकते हैं angle opposite to equal sides are equal। तो यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में, तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान सा चीज है। सिमिलरली इन ट्रायंगल OPB, OP is equal to OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इसको हम लिख के हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ, ताकि आप लोगों को भी लिखने का आइडिया मिले, प्रूफ कर लिए। अब यहां देखें कि हम एक ट्रायंगल को ले रहे हैं ओ ए पी को, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। अब ओ ए पी में हम ये लिख सकते हैं ओ पी ए, ओ पी ए इज इक्वल टू ओ ए पी, ओ ए पी। रीजन क्या होगा स्टूडेंट इसका, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। और ये हम आपको एक्सप्लेन किए कि इक्वल है तो क्या हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेल्स में पढ़े हैं। अब यहां देखेंगे फिर इस ट्रायंगल में आप आ जाओ इन, और एक चीज और, अब यहां देखेंगे ओ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए प्लस ओ ए पी। अब ये किस प्रॉपर्टी से होगा, इस टाइमिंग में आप देख रहे हो कि पीओ को प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल हुआ, और हम लोग पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, पढ़े है ना। तो यहां पर इस कंडीशन से आप यहां लिख लोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दिए, और ये हम आपको एक्सप्लेन किए कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ए और डी का रिलेशन ये आ गया। अब आते हैं इन, तो आप एक स्टेप और इसको लिख दो, एंगल ए ओ डी
इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओपीए, ट्वाइस एंगल ओपीए, क्योंकि ये दोनों को ऊपर में हम इक्वल शो कर चुके हैं, तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसको हम ट्वाइस करेंगे। अब आप सोचोगे हम इसी को ट्वाइस क्यों किए, इसको क्यों नहीं किए, तो आपको प्रूफ करना है ये पार्ट पी है ना, तो पी में एक पार्ट ये आ रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है, तो इस ट्रायंगल में इन दोनों के जगह पर हम इसी को लिखे ताकि आगे में हम इस चीज को बता सके। अब आते हैं इसको कर दिए इक्वेशन वन। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओपीडी, अब इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे, जो यहां पर किए ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे एक्सप्लेन किए वही चीज कर देते हैं कि एंगल ओपीडी इज इक्वल टू एंगल ओबीपी, ओबीपी प्रॉपर्टी ओपी इज इक्वल टू ओबी, सिंस ओपी इज इक्वल टू ओबी, साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्या करेंगे, तो इस वजह से हमारा हो जाएगा ओ, ये दोनों इक्वल हो गया। अब आप करोगे एंगल ओ डी बी, इस ट्रायंगल के लिए आप देखो पीओ प्रोड्यूस है तो यहां एक एंगल बना है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का सम इसके इक्वल होगा एक्सटीरियर वाला एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी से जो अभी हम आपको एक्सप्लेन किए। तो यहां क्या लिख दोगे आप, ओ डी ओ बी लिखो या फिर बी ओ डी लिखो, बी ओ डी इज इक्वल टू ओ पी बी प्लस ओ बी पी, दोनों को ऐड कर दिए, ये भी वही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आप इसको ले लो इक्वेशन टू। अब आप देखो कि ए ओ डी इसमें वन में आया ए ओ डी और टू जो हमारा इक्वेशन है इस टू इक्वेशन में आया है बी ओ डी, तो ए ओ डी और बी ओ डी दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए ओ बी, और देखो तो आपको क्या चाहिए ए ओ बी, तो यहां पर अब कर देते हैं वन प्लस टू एडिंग बोथ इक्वेशन, अब हो गया ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी ए प्लस ट्वाइस एंगल, यहां एक स्टेप छूट गया स्टूडेंट, यहां देख लो ट्वाइस कर दो, यहां पे दोनों इक्वल है तो यहां पर कर दोगे ट्वाइस एंगल ओ पी बी, ठीक है इसको लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां देखो यहां बी ओ डी हो गया, अब बी ओ डी इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ओ पी बी, तो ट्वाइस ओ पी बी। अब यहां देखो दोनों को ऐड कर दिए, अब यहां आपको बताया कि इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा एओडी एओबी, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू टू को कॉमन ले लो तो यहां क्या आ जाएगा एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीबी, क्योंकि दोनों के दोनों में क्या कॉमन है टू। अब देखो तो ओपीए ओपीए यानी ये एंगल और ओपीबी यानी ये एंगल, अब दोनों को कर दो ऐड क्या हो जाएगा एपीबी यानी ट्वाइस एंगल ए पी बी, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग अभी यहां इस थ्योरम के थ्रू क्या देखे कि सेंटर पर बना हुआ एंगल किसके किसके पास होता है सर्कमफेरेंस के किसी भी पार्ट पे रिमेनिंग पार्ट पे जो बना होगा उसके ट्वाइस होता है, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्वाइस एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट क्लियर हुआ, अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। अभी हम लोग पढ़े कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये चीज का एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि अगर नहीं आप समझोगे तो दिक्कत होगी। अब वो क्या है कि अगर सिंपल क्वेश्चन था तब तो आप यहां देखे कि इस ए बी एक आर्क है ये सेंटर पर बनाया और इन दोनों से गया तो यहां सर्कमफेरेंस पे बना तो सेंटर वाला ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन जब इस टाइप का फिगर आपको आ जाए तो आप क्या करोगे, यहां भी तो देख रहे हो कि एक सेंटर पर बन रहा है और एक सर्कमफेरेंस पे बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये फिगर से डिफरेंट है, यहाँ क्या था देखो कि दोनों लाइन के बाहर के तरफ ये दोनों एंगल बन रहा है बट यहाँ क्या है आमने सामने बन रहा है, तो प्रॉपर्टी हम सेम यूज करेंगे लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा कि आप देखो ये तो सर्कमफेरेंस पर है लेकिन यहाँ पर ये दोनों आमने सामने है तो इसका रिलेशन इसके रिफ्लेक्स से लेंगे। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप देखो जैसे ये पार्ट है
यहाँ मान लो ये 60 डिग्री है, ओके। अब 60 डिग्री का एंगल है तो हम लोग पढ़े हैं कि एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो किसी पॉइंट पर बना हुआ एंगल होता है 360 का, और ये है 60, तो इसके बाहर को कितना हो जाएगा, तो 360 में से 60 माइनस किए तो स्टूडेंट क्या हो गया 300। तो रिफ्लेक्स कहते हैं यानी जो एंगल के बाहर में बना, तो यहाँ आप देखो कि एंगल तो इसके अंदर है ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये बाहर का रिलेशन जो है इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो थ्योरम सेम होगा, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्स यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर तो सिंपली हम कर दिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी, क्योंकि आप देख रहे हो एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस, तो इसका ट्वाइस का रिलेशन था। तो ये रिलेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो आप देखो यहाँ सेंटर है, ये एक आर्क हो गया, ये आर्क, तो ये आर्क से देखो कि एक एंगल बना है इधर और ये एंगल बना है इधर, तो यहां लिखोगे कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल, यहां क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको लगे, जब इस टाइप का फिगर आपको लगे, तो फिगर कोई जरूरी नहीं है कि सिंपली आपको ऐसा ही हो सकता है फिगर आपको ऐसे भी मिल जाए, तब भी तो आप देख रहे हो ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है। अगर ऐसे मिल जाए तब भी तो वही पार्ट हो गया ना कि सेंटर और सर्कमफेरेंस है। तो जब फिगर उल्टा मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, घुमा के हो सकता है, तो उसको आप ध्यान से देखोगे, वो हम जब क्वेश्चन बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह, तो उसमें और हम क्लियर कर देंगे इस चीज को। और रिफ्लेक्स जब हो तो यहाँ पर अगर पूरा सही लिखोगे और रिफ्लेक्स नहीं लिखोगे तो ये पार्ट जो है स्टूडेंट गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी इस टाइप का फिगर आपको दिखे तो रिफ्लेक्स यूज जरूर करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं थ्योरम फोर। थ्योरम फोर क्या है स्टूडेंट, यहां देखें, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ, तो पहले तो हम सर्कल बना ले। अब सेगमेंट हुआ स्टूडेंट, सेगमेंट्स कैसे बनता है, तो आर्क और कॉर्ड दोनों को रिलेट करके बनता है सेगमेंट। तो यहां देखो, जैसे हम ले लिए कि ए बी एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क हो गया और ये हमारा हो गया, इसको ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया कॉर्ड, तो यहां पर ये पार्ट हो गया सेगमेंट। तो यहां आप देखो ये हो गया माइनर सेगमेंट, और इसका देखो कि ये ए बी यहां से यहां तक आर्क है, तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि इस पार्ट पे बना हुआ जो सेगमेंट्स है वो इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम ले लेते हैं, जैसे एक ये ले लिए, ठीक है, एक ये ले लिए, यहां पी ले लो आप, यहां क्यू ले लो। अब देखो कि ए पी बी और ए क्यू बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, मेरा हाथ देखें आप स्टूडेंट, ए और बी, ए और बी दोनों से एक एक लाइन कहां गया, क्यू पे, और ए और बी दोनों से एक एक लाइन कहां गया, पी पे। तो ये होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, टेंथ में प्रूविंग नहीं आता है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम लिए सेंटर, क्योंकि सर्कल है तो सेंटर तो हो गए। अब यहां देखो, इसको कर लिए ऐसे। एक थ्योरम अभी जस्ट पढ़े आप थ्योरम थ्री में, कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो यहां पे पहले आप लिखो प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना था आपको, एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये दोनों आपको इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो यहां पे अब हम प्रूविंग जब करने जा रहे हैं प्रूफ, तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जस्ट पढ़े कि सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो सर्कमफेरेंस का ट्वाइस होता है, तो ये हो गया सेंटर पर बना हुआ एंगल और ये हो गया सर्कमफेरेंस का, तो इसको हम ले लिए वन। अब आप देखो फिर से लिखोगे ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब यहां देखेंगे तो ए ओ बी और ये दोनों से फिर गया यहां से सर्कमफेरेंस पे, तो इसका रिलेशन भी इसका ट्वाइस का होगा ना। अब यहां ले लिए इक्वेशन टू, अब आप देखो कि इन दोनों को कर देते हैं ऐड, इक्वेशन वन और टू दोनों को ऐड कर दिए,
तो सॉरी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ देखो आप ए ओ बी यहाँ भी और ए ओ बी यहाँ भी है ना, तो जब दोनों को दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो कि ए ओ बी इसके भी इक्वल है और ए ओ बी इसके भी इक्वल है, तो यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके अब दोनों जब ए ओ बी इक्वल है दैट मीन्स दिस इक्वल दिस, तो आप लिखोगे ट्वाइस ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए क्यू बी। ठीक है अब देखो जब दो बोथ साइड टू टू है तो क्या लिखोगे आप ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, तो हो गया ना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेगमेंट्स मतलब एक ही पार्ट पर बना हुआ एंगल इक्वल होता है। तो कैसे इक्वल किए स्टूडेंट, तो वही जो हमारा थर्ड वाला जो थ्योरम था सेंटर का रिलेशन सर्कमफेरेंस का ट्वाइस होता है उससे रिलेट करके इस चीज को हम आसानी से प्रूफ किए। ठीक है अब इसके आगे कौन सा थ्योरम है इसे देख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग थ्योरम फाइव देखते हैं। थ्योरम फाइव क्या है, तो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो सेमी सर्किल सेमी मीन्स होता है हाफ, तो किसी भी सर्कल डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट आर कॉल्ड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो यहां पर आप देखो जब सेमी सर्किल की बात है तो पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है यहां ये हो गया डायमीटर, ए बी को हम ले लेते हैं डायमीटर। अभी आपको बताया कि डायमीटर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, और दोनों पार्ट क्या कहलाता है सेमी सेमी सर्कल। अब यहां देखेंगे द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो यहाँ राइट एंगल सर्कमफेरेंस भी यहां बनाएगा राइट एंगल, सपोज ये पी है। ठीक है अब यहां प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखिए कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट, तो यहां देखें कि यहाँ ए बी ए से यहाँ ए बी एक आर्क है, तो आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, ये दोनों जो ए बी से मिलकर के जो आर्क बना ये सेंटर पर एंगल बना रहा है, और यहाँ पर इन्हीं दोनों से ए बी आर्क से देखो यहाँ सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस, तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो कि आर्क, चाहो तो यहाँ कुछ और भी लिख दो जैसे सी लिख देते हैं ए सी बी, तो आर्क ए सी बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड ए पी बी एंगल ए पी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है तो आर्क ए सी बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड ए पी बी रिमेनिंग पार्ट, यानी जो ऊपर पार्ट बचा हुआ था उस पर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा एट द सेंटर आर ए पी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी, सेंटर पर बना हुआ एंगल ए पी बी का ट्वाइस होता है हम लोग पढ़े। अब यहां हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी को आप क्या लिख दोगे स्टूडेंट 180 डिग्री। अब पूछोगे कैसे, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। ओके तो यहां पर लिखोगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है तो वन ए ओ बी के जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां पर पूरा लिख दो कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इस वजह से यहां लिख दिए और यहां क्या हो गया ट्वाइस ए पी बी। अब क्या करेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो गया ए पी बी 90 डिग्री हो गया प्रूफ। तो यहां हम देखे एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि डायमीटर पर से बना हुआ कोई भी जो हमारा एंगल बनेगा जो डायमीटर के दोनों पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे बनेगा स्टूडेंट वहां पर वो 90 डिग्री बनाएगा, और वहां यही लिखना होगा एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके अब यहाँ सिक्स वाला थ्योरम भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब सिक्स थ्योरम क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल तो बहुत बार सुने हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको थोड़ा समझ जाए समझ लिया जाए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां हम देखें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसका जो फोर वर्टेक्स है वो सर्कमफेरेंस पर लाइज करता है। ओके तो यहां देखो ए बी सी डी साइक्लिक है तो वर्टेक्स है उसका ए बी सी डी और कहां पड़ रहा है स्टूडेंट सर्कमफेरेंस पे। तो जब आप देखोगे कि किस क्वाड्रिलेटरल का फोर वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पर पड़ता है तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है और ये पॉइंट जो है ए बी सी डी इस पॉइंट्स को कहा जाता है कॉनसाइक्लिक। तो जब कभी भी कॉनसाइक्लिक आपके पास आए तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये देखना कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट हो गया कॉनसाइक्लिक और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री हो जाएगा या फिर ए प्लस सी 180। तो यहां आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ओके तो यहां बी प्लस डी ये दोनों को भी कर सकता है, हम एक पार्ट आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ प्रूफ। यहां आप ले लो एक सेंटर ले लिए इसको ड्रॉ, ठीक है। अब आप यहां देखो कि एबीसी एबीसी एक आर्क है ना, तो यहां आप देखो एबीसी आर्क है तो एक ए से और एक सी से ऐसे करके एक एक लाइन कहां गया सेंटर पे और ए और सी से एक लाइन कहां गया सर्कमफेरेंस पे। बार बार वही थ्योरम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे बार बार एक ही चीज को बोलना है तो आप समझ गए होंगे हियर आर्क एबीसी सबटेंड्स एंगल एओबी एट द सेंटर एंड एडीबी एट द सर्कमफेरेंस, देयरफॉर एंगल एओसी एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एडीसी एडीसी। ठीक है तो यहां देखेंगे तो एओसी इक्वल टू ट्वाइस एडीसी हो गया। अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एंगल ए ओ सी इक्वेशन वन आप लिख सकते हो क्योंकि मुझे प्रूफ करना है इन दोनों का सम 180 होना चाहिए तो इसलिए हम ए डी सी को सब्जेक्ट बना लिए तो हो गया हाफ ए ओ सी। अब आते हैं आप यहां देखो अब इसके इस तरफ देखते हैं तो ऐसा प्रॉपर्टी अभी जस्ट हम आपको एक्सप्लेन किए हैं कि देखो यहां ये भी अगर इसको लिया जाए इस तरफ को ए डी सी ADC ये हमारा आर्क हो गया तो यहां से देखोगे कि A और C से ये बना सर्कमफेरेंस पर और A और C से कहां बना सेंटर पर। लेकिन यहां पर क्या था ये देखो ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ तो ये रिलेशन हम लिए थे। लेकिन यहां पर देखो कि अभी हम जो एक आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल से रिलेटेड तो ये दोनों एंगल आमने सामने हो गया स्टूडेंट तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसका रिलेशन किसके साथ होगा इसके रिफ्लेक्स से होगा समझ आ रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि आर्क एडीसी सबटेंड्स एंगल एओसी रिफ्लेक्स एंगल एओसी एट द सेंटर एंड एबीसी एट द सर्कमफेरेंस। ओके तो इसको हम लिखेंगे ये सब स्टेटमेंट आप लिखोगे ऐसे करके जो हम अभी एक्सप्लेन किए। अब यहां आप लिखोगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एबीसी। ठीक है अब यहां जब हम रिफ्लेक्स लिखे हैं तो यहां ए बी साइड चाहिए तो ए बी सी को आप सब्जेक्ट बना लो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ रिफ्लेक्स एंगल एओसी ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है तो इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि इसको हम ये चीज प्रूफ कैसे करेंगे इसको थोड़ा देखे हम। अब देखिए जब यहां क्या लाना था ए और सी ए और सी या फिर बी और डी तो यहां लिए हैं कौन कौन सा लिए है स्टूडेंट एडीसी यानी ये वाला और ये डी और बी लिए हैं। ठीक है तो अब दोनों को जब दोनों का सम हमें चाहिए तो दोनों को ऐड कर देते हैं ए वन प्लस टू दोनों को ऐड करो तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू
हाफ एंगल एओसी प्लस हाफ रिफ्लेक्स एंगल एओसी, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इक्वेशन रेडी किए, दोनों को ऐड किए। अब यहां देखो ये दोनों चाहिए, डी बीच में है और बीच में यहां बी है, यानी डी और बी दोनों आपका है और दोनों का सम कितना प्रूफ करना है 180। अब यहां करते हैं हाफ ले लेते हैं कॉमन, यहां बीच में प्लस है ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों में हाफ है, हाफ कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बच गया एओसी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओसी। अब आप यहां देखो एओसी इधर आ रहा है और एओसी इधर आ रहा है, यानी ये पॉइंट एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ ये पूरा आ गया, यानी क्या हो गया, अभी हम ऐसा भी टॉपिक डिस्कस किए थे एंगल एट अ पॉइंट 360। तो जब एओसी एक रिफ्लेक्स है और एक इधर है तो दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा, तो हाफ हो गया और ये दोनों का सम हो गया 360 डिग्री। तो क्या हो गया हाफ और कितना हो जाएगा 180, सो डिवाइड इसको कट करो 2 1 2, ये हो गया 180, यानी 180 डिग्री, यानी दोनों का सम क्या हो गया एंगल एडीसी और एबीसी, या फिर आप लिख सकते हो एंगल डी प्लस एंगल बी, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ये प्रूफ हुआ ना। तो हम क्या देखें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो है सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है स्टूडेंट दो एंगल का सम 180। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये था हमारा 6th का जो थ्योरम था वो क्लियर हो गया, थोड़ा सा एक पार्ट और है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 7th थ्योरम के बारे में हम लोग देखें कि 7th थ्योरम क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। Here, A, B, C, D. ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक यहाँ क्या कंडीशन है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट क्या कौन हो जाएगा, तो देख रहे हैं आप सी बी ई ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल दिख रहा है 4 एंगल है, लेकिन आपको करना किसके इक्वल है इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट आपको दिख रहा है डी, यानी प्रूफ करना है आपको प्रूफ दैट एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, यानी ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये कैसे होगा इसे हम लोग देखें, ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई ए बी सी प्लस सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट बताओ कि ए बी सी और सी बी ई इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये कैसे हुआ, तो यहां आप देख रहे हो कि ए बी ई यहां क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो आप रीजन में स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो या फिर लीनियर पे, यहां लिखते हैं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहां देखें कि ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसके जस्ट पहले वाले थ्योरम में कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल, तो यहां आप ये चीज लिख सकते हो कि इन साइक्लिक अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहां देखो कि ये भी हो गया 180 डिग्री और ये भी हो गया 180 डिग्री, यानी इस इक्वेशन का वैल्यू जितना है उतना ही इसका भी इक्वेशन का वैल्यू है, तो जब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है स्टूडेंट तो इसे क्या मिल जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो आप इसको लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। अब आप देखो कि बीच में इक्वल है इस इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म, दोनों में एबीसी है, तो जब दोनों ही में एबीसी है तो एबीसी एबीसी कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी,
ये प्रूफ हुआ स्टूडेंट। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ क्या प्रूफ करना था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो ये इसके अपोजिट था, ये चीज हम लोग प्रूफ किए और इसमें जो पिछले थ्योरम पीछे थ्योरम पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखें, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है बी ए डी, इस फिगर में देखो कि बी ए डी 65 है, ए बी डी 70 डिग्री है और बी डी सी 45 डिग्री है। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है इसके हेल्प से, प्रूफ दैट ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप एक थ्योरम पढ़े थे कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो वहाँ कैसे प्रूफ किए थे कि देखे थे कि अगर ये डायमीटर पर बना हुआ एंगल था तो 90 डिग्री था, यानी कि किसी तरह से अगर हम ये प्रूफ कर लें कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो जब यहाँ ये एंगल या फिर ये एंगल ये अगर कर देंगे तो एसी है, एसी के अपोजिट ये एंगल है और एसी के अपोजिट ये एंगल है, तो अगर ये एंगल 90 प्रूफ कर दो या फिर ये एंगल, तो दोनों में से कोई भी 90 हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एसी क्या है, डायमीटर है। और किस थ्योरम से होगा, हम लोग पढ़े थे एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो अगर राइट एंगल हो गया यानी सेमी, और सेमी कब होता है, जब डायमीटर डायमीटर जो है वो सर्कल को डिवाइड करता है। अब यहाँ आते प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ बस आपको वैल्यू निकालना है। तो आप देखो कि कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप देखो कि 65 70 टू एंगल गिवेन है, तो जब टू एंगल गिवेन है तो हम थर्ड वाला आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालते हैं 65 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस ए डी बी, ट्रायंगल एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को सॉल्व करते चले जाइए, दोनों को ऐड कीजिए, कोई जरूरी नहीं है किसी मेथड से करें, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बनाया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करें, 10 में से 5 गया क्या 5, 7 में से 3 गया 4, तो क्या आया 45 डिग्री, यानी ए डी बी 45 आया, ए डी बी ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। अब आप देखो तो कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी में दो पार्ट है, एक है एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी। अब यहां देखिए ए डी बी अभी हम यहां इसको निकाल चुके हैं 45 डिग्री, और बी डी सी, बी डी सी 45 डिग्री गिवेन था, तो यहां क्या हो गया 45 45 90 डिग्री। तो यहां आप लिख सकते हो 90 डिग्री कौन आया, ए डी सी, तो एंगल ए डी सी 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी इज अ डायमीटर, प्रूफ हो गया ना। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, हम लोग पढ़े थे एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो सेमी हो गया यहाँ 90 डिग्री हो गया, इसलिए क्या हो गया डायमीटर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ए सी बी, अब यहाँ देखिए दूसरा जो थ्योरम पढ़े हैं वो हमारा यहाँ पर मिलेगा ए सी बी। अब यहाँ देखो ये ए बी एक आर्क है, ए बी आर्क, आर्क क्या हुआ तो इस सर्कमफेरेंस का ये पार्ट। अब आप देखो कि ए और बी, ए और बी से एक एक लाइन कहाँ गया है डी पे, और फिर आप देखो ए और बी, ए और बी से एक एक लाइन कहाँ गया है सी पे, तो आप यहां देखिए इन दोनों से एक एंगल इधर बना और इन दोनों से एक एंगल सी पर बना। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट के लिए आसानी से कर सकते हो एंगल ए बी सी, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और कितना हो जाएगा, जब ए डी बी आपको पता है 45 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहां क्या लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये सब लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट, ये हो गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो देखिए इसमें देखने में बहुत ही आसान था, लेकिन इससे दो चीज हम लोग सीखे, एक प्रॉपर्टी यूज किए एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और एक थ्योरम यूज किए क्या चीज
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो दो थियोरम था, दो थियोरम से हम ये दो क्वेश्चन को बनाए। अब यहां देखेंगे एक और भी एग्जांपल लिख रखे हैं, ये बगल में इसको आप देखें। यहां देख रहे हैं कि फिगर बना हुआ है और इसमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यहां आप देखो ए यहां बी, तो इस फिगर में ए और बी है। अब इसमें कौन सा थ्योरम यूज होगा इसको हम यहां आपको एक्सप्लेन करते हैं। अपने सहूलियत के लिए आप क्या करो, इसको थोड़ा लेबल कर लो ए बी सी डी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब यहां देखो कि बी सी डी, बी सी डी आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आर्क है बी सी डी। तो यहां से देखो तो ये दोनों पार्ट से देखो, यहां से एक लाइन आया और यहां से यहां, यानी कि ये आर्क सेंटर पर बनाया एंगल। और फिर देखो कि इन दोनों पॉइंट से एक एक लाइन आया सर्कमफेरेंस पे। तो हम लोग पढ़े थे ना कि अगर सेम आर्क है और सेंटर पर भी बना रहा है और सर्कमफेरेंस पे भी बना रहा है, तो सेंटर पर वाला जो एंगल है स्टूडेंट वो ट्वाइस होता है किसके, सर्कमफेरेंस पर बने हुए वाले एंगल से। तो यहां आप लिखिएगा कि आर्क बी सी डी सबटेंड्स एंगल बी ओ डी, बी ओ डी एट द सेंटर एंड बी ए डी, एंगल बी ए डी सबटेंड्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो ये ओरली भी बता रहे हैं और लिखे भी कि ये हमारा जो आर्क है वो सेंटर पर बनाया और यहीं से देखिए सर्कमफेरेंस पे बनाया। तो जब ये कंडीशन हमें पता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि द एंगल, देयरफॉर एंगल बी ओ बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी ए डी। ऑलवेज याद रखेंगे आप कि सेंटर पर वाला बना हुआ एंगल बड़ा होता है ना, ट्वाइस होता है, ना कि सर्कमफेरेंस वाला। जब सर्कमफेरेंस निकालना होगा और सेंटर का गिवन होगा तो सेंटर का हाफ कर देंगे तो सर्कमफेरेंस का निकल जाएगा। अब यहां देखो बी ओ डी क्या है 130 डिग्री, ये 2 बी ए डी निकल गया। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री और बी ए डी क्या है, बी ए डी एंड सिंबल है आपका बी निकालना था, तो ये निकालना था ना कि बी ए बी सी, तो बी तो हम निकाल दिए, बी का वैल्यू कितना आया 65 डिग्री। यहां पर हम लोग सेंटर और सर्कमफेरेंस का रिलेशन वाला थ्योरम लिए। अब यहां देखो फिर दूसरा थ्योरम, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो यहां देखेंगे कि उस थ्योरम को हम कैसे यूज किए हैं। तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और बताएं साइक्लिक तभी होता है जब उसका वर्टेक्स जो है वो सर्कमफेरेंस पर हो, तो यहां पे है भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, साइक्लिक जो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां आप करोगे, यहां कर दो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिख दोगे कि इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ए हमारा है यहां पर बी और सी का वैल्यू यहां दिया हुआ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखो बी यहां निकाल चुके हो तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, माइनस कर दें आप 115 डिग्री। तो ये देखें आप कि इस क्वेश्चन की हेल्प से भी थ्योरम रिवीजन हुआ और इस क्वेश्चन की हेल्प से भी थ्योरम रिवीजन हुआ। एक यहां पर और लिखे हैं जो रिफ्लेक्स वाला एंगल वाला बताए थे उसको भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसको देख लें आप। यहां देखिए अभी हम लोग देखे थे कि सेंटर और सर्कमफेरेंस का, लेकिन यहां दोनों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने है, तो अभी बार बार उसी चीज को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कि जब ये आमने सामने आ जाता है तो सेंटर और सर्कमफेरेंस का ही रिलेशन है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है स्टूडेंट, यहां आपको यूज करना होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां आप इसको भी लेबल कर लो अपने सहूलियत के लिए, ए बी पी ले लो, सी दिया हुआ है। अब यहां देखो किसको लिखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए, रिफ्लेक्स एंगल
ए ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए बी पी, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब आमने सामने होता है तो एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस यूज तो करते हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्स की बात होती है तो ये आपका होना चाहिए, इसका रिलेशन होता है इसके साथ, ठीक है। और एंगल एट ए पॉइंट होता है 360 डिग्री का, तो आप पहले क्या करो कि 360 डिग्री में से 112 को माइनस कर दो, 112 डिग्री को माइनस करोगे क्योंकि यहां पर है तो ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो रिफ्लेक्स एओपी, तो रिफ्लेक्स एओपी आपका कितना आया है 248, अब यहां पर निकाल दिए 248 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल निकल गया, इसको आप इधर ले आओ, कितना हो गया ए बी पी। अब इसको कर लेते हैं, यानी एंगल ए बी पी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 124, और ए बी पी क्या है यहां पर ए बी पी यानी कि सी का वैल्यू आपको निकालना है तो आप सी लिख दो। तो यहां हम देखें कि इस एग्जाम्पल के मैंने हेल्प से हम लोग तीन चार थ्योरम का रिवीजन किए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसको देखा जाए, इस टाइप का फिगर है और इसमें लिखते हैं कैलकुलेट द एंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। गिवन कंडीशन है ये, और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बाई थ्री इक्वल वाई बाई फोर इक्वल जेड बाई फाइव इज इक्वल टू के, है ना, के हम लेट किए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों फ्रैक्शन किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब आप क्या करो सेपरेटली सबको के से इक्वेट करो, जैसे x बाई थ्री इज इक्वल टू के, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3k। सेम कंडीशन में y बाई फोर इज इक्वल टू के, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4k। सेम कंडीशन में z का वैल्यू हो जाएगा 5k, ठीक है। तो यहाँ आप देखो हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप भी जब बनाते होगे तो अगर वन वेरिएबल रहता है तो आप आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर तो देख रहे हैं कि अलग अलग थ्री वेरिएबल हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि तीनों वेरिएबल को हम सेम वन वेरिएबल कर दें, तो इसके वजह से हम ये लेट करके ये तीनों को हम किए। अब इसका यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखा जाए, अब यहाँ देखो कि सी डी क्यू, सी डी क्यू एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यहाँ देखें कि एक्स और जेड, ये इसका रिलेशन इसके साथ होगा क्या, अब ध्यान से देखो तो सी क्यू डी, तो क्यू डी प्रोड्यूस है, तो जब क्यू डी प्रोड्यूस है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, तो हम लोग पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल का रिलेशन किसके साथ होगा इन दोनों के साथ, यानी आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां लिख सकते हो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए डी सी, ए डी सी यानी ए डी सी का जो वैल्यू है कितना हो गया एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब इधर आते हैं तो यहां लिख दिए हम ट्रायंगल का नाम मेंशन कर देते हैं इन ट्रायंगल सी क्यू डी, तो सी क्यू डी में देखे कि इन दोनों का सम इसके इक्वल, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी सी बी, पी सी बी इसमें आते हैं, नहीं इसमें आने से पहले हम एक चीज देखें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी सी क्यू, डी सी क्यू इज इक्वल टू बी सी पी, बी सी पी इज इक्वल टू क्या एक्स। अब आप देखो ये और ये दोनों इक्वल हो क्या, क्या बिल्कुल होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है कब, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट किया है तो ये दोनों एंगल का रिलेशन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब यहां देखेंगे पी सी बी में, तो फिर से आप वही देखो कि पी यहां पर क्या देख रहे हैं कि पी बी को प्रोड्यूस किया गया, तो पी बी को प्रोड्यूस किया गया तो यहां पर ये एंगल किसका हो गया इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो अभी जो प्रॉपर्टी हम इसमें यूज किया सेम हो गया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो यहां आप कर दो ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहां पर हो गया एक्स प्लस
वाई, कैपिटल लेटर यूज किया हो तो कैपिटल लेटर ही यूज करो, आ गया। अब ये तो था कि हम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये दोनों अपोजिट एंगल निकालिए। अब उम्मीद है आपको खुद से ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्यों निकालें। यहाँ आप देखो कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े थे कि इन साइक्लिक अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी बी प्लस डी 180 अदर और ए प्लस सी 180। तो यहां पर हम बी डी निकाले हैं, तो यहां आप लिख दो आप इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। और आप जब भी ऐसा चीज यूज करो तो जो हम बताते जा रहे हैं कि इस थ्योरम को यहां यूज किए हैं वो बताना जरूरी होता है। अब यहां देखो ए बी सी का वैल्यू आप क्या निकाल रखे हो, एक्स प्लस वाई, और ए डी सी का वैल्यू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो कि यहां तो 2 के जगह 2x का वैल्यू क्या है 3 के इनटू कर दे, प्लस y के जगह पर क्या लिखोगे 4 के, और z के जगह पर 5 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहां हो जाएगा 6 के यहां 4 के, तो 6 के और 4 के 10 के, और ये हो गया 15, यानी 15 के इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो k का वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक है। तो k का वैल्यू यहां आ गया 12, और जब k का वैल्यू आप 12 निकाल चुके हैं स्टूडेंट, तो यहां देखो x y और z ये तीनों का वैल्यू हम ऑलरेडी k के फॉर्म में लिखे हैं। तो आप क्या करो कि x का क्या है 3k है, तो 3 के जगह 3 लिखो, k के जगह आप क्या लिखोगे 12, 3 जा 36 डिग्री, ओके। अब आते हो y, तो y के लिए क्या हो जाएगा 4k, 4 के जगह 4 हो गया, k के जगह 12, 48 डिग्री, और कौन सा बचा z, z का वैल्यू क्या है 5k, यानी 5 × 12 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। तो आप यहां देखिए कि इसमें ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी हम यूज किया एक्सटीरियर वाला, और क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है उसको यूज करते हुए तब हम निकाले। और इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट इसी तरह से बनेगा। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन हम एक्सप्लेन किए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका एक्सरसाइज बहुत आसान होगा। इसके आगे भी फिर हम इसका और आगे का पोर्शन आपको बताएंगे।